मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर रचना चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि MSc सेकेंड सेम के पेपर थर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के यूनिट 1 का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एप्लीकेशन एंड रेफरेंसेस। अब यदि हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो तीन टर्म से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रम, फोटोमेट्री एंड कॉलोरीमेट्री। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है उसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई विजिबल लाइट को किसी प्रिज्म से होकर पास कराते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और यही जो है 7 कलर जो है वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। फोटोमेट्री, फोटो का मतलब ये होता है लाइट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोमेट्री। कलोरीमेट्री, कलोरीमेट्री जो होता है वो लैम्बर्ट और बियर्ड लॉ पर बेस्ड होता है, और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम की। तो इस तरह से जो ये तीनों ही टर्म्स से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है अमाउंट ऑफ लाइट को किसी भी सैंपल से। ये एक प्रकार का फोटोमीटर है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि ऐसा डिवाइस जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। ये मेज़र करता है इन द बेसिस ऑफ कलर, या हम ज़्यादा ही स्पेसिफिकली बोलें तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट यूज़ की जाती है वो विजिबल और उसके एडजेसेंट रेंज की होती है, मींस नियर अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड। तो इस तरह से यदि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव टू वेवलेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल। हम देखते हैं कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है किसी भी सॉल्यूशन पे, तो इसमें से कुछ जो होती है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है और कुछ होती है जो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसमिटेंट लाइट का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन से, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, और टी इज इक्वल टू यहाँ पर बोल रहे हैं I/I0। अब जो एब्जॉर्प्शन होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो होता है लाइट थ्रू ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log 10 ऑफ परसेंट ट्रांसमिटेंस। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा log 10, तो log 1/T है ना, और यहाँ पर हम यदि टी की वैल्यू पुट करेंगे तो log इज इक्वल टू I/0, वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और I/0 इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यदि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा यदि हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट करते हैं तो ये दो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लैम्बर्ट लॉ और बियर्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी भी सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो जो एब्जॉर्बेड लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द लाइट की। इसलिए ए इज इक्वल टू log I/0/I इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड सी। ए जो है एब्जॉर्प्शन, ई जो है मोलर एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट और आई जो है पाथ ऑफ लाइट ऑफ द सैंपल, जो कि यूजुअली 1 सेंटीमीटर होता है। अब यदि हम बियर्स लॉ को देखें तो इसके अकॉर्डिंग जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो जो लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो इसलिए ए इज इक्वल टू यहाँ पर हमने जहाँ पर सी जो डिनोट कर रहा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल्स पर लीटर। इक्वेशन को यदि कंबाइन कर दें तो
ये हो जाता है ए इजल टू लॉग आई ज़ीरो बाई आई एप्सिलॉन और सी एंड आई। यदि हम लिमिटेशंस देखें लिम्बर्स और बियर लॉ की, तो इसकी लिमिटेशंस ये है कि जब हम कोई कीटो इनॉल टॉटमर्स वगैरह होते हैं तो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यदि कोई फ्लोरोसेंट कंपाउंड है तो उस कंडीशन में ये लॉ फॉलो नहीं करते। और यदि कोई सॉल्वेंट है जो किसी कॉम्प्लेक्स बनाता है किसी भी के साथ सॉर्ट होके या एसोसिएट होके, तो उस कंडीशन में भी हम ये रूल फॉलो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। पहला है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो मेज़र लाइट इंटेंसिटी जो होती है वहाँ पर, वो टेस्ट सैंपल के इंसर्टेड होती है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर टेस्ट सैंपल को ही वो मेज़र करता है। दूसरा जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये कंपेयर करता है दो लाइट पाथ के बीच में, जिसमें कि पहला पाथ होता है रेफरेंस सैंपल का और दूसरा होता है टेस्ट सैंपल का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑप्टिकल डायग्राम। तो ऑप्टिकल डायग्राम यदि हम देखें सिंगल बीम और डबल बीम का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल बीम में जो लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट सैंपल की ओर ट्रांसमिट कर रहा है, जबकि डबल बीम में जो लाइट सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो मोनोक्रोमेटर है वो पास कर रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करके एक सैंपल क्यूबिट में और दूसरा रेफरेंस क्यूबिट में, और फिर वो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है और डिस्प्ले में हमें दिखाई देता है या हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यदि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टाइप्स देखें तो ये दो तरह के होते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि उस पर्टिकुलर रेंज की लाइट पर डिपेंड होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो यूवी विजिबल रीजन के फोटॉन्स पर डिपेंड करता है या उसको यूज़ करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो लाइट है वो विजिबल और एडजेसेंट, जैसे कि नियर यूवी और नियर इंफ्रारेड रेंज की होती है। ये जनरली अल्ट्रावायलेट रेंज 185 से 400 नैनोमीटर और विजिबल रेंज जो है 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को यूज़ करता है। अब यदि हम इनका इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जनरली फोर बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है लाइट सोर्स, दूसरा होता है फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर, तीसरा है सेल एंड सैंपल होल्डर और चौथा होता है डिटेक्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स। तो सोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन सा है और किस तरह का वर्क कर रहा है। यदि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो उस समय हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प का यूज़ करते हैं हम एज ए लाइट सोर्स के रूप में। यदि विजिबल है तो उस कंडीशन में हम टंगस्टन लैम्प का यूज़ करते हैं, और इंफ्रारेड है तो उस समय हम दूसरे लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिल्टर और मोनोक्रोमेटर्स। तो जो फिल्टर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट को पास करता है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है टोटली या पार्शियली। यहाँ पर जो फिल्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और इंटरफेरेंस फिल्टर। जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टर होता है किसी भी कॉमन फिल्टर के लिए, वो हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं कि यदि फिल्टर का कलर कैसा है तो वहाँ पर कौन सी अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड होगा। येलो है तो 450 एब्जॉर्प्शन बैंड होगा, ऑरेंज है तो 500 एब्जॉर्प्शन बैंड होगा, रेड है तो 575, पर्पल है तो 450 टू 650, ब्लू है तो 480, और यदि ग्रीन है तो उस समय जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा 400 से 475 और 575 टू 700। मोनोक्रोमेटर, जो मोनोक्रोमेटर होता है वो रेडिएशन को डिस्पर्स करता है अकॉर्डिंग टू देयर
वेब लेंथ। ये दो पार्ट्स इसमें होते हैं जनरली, एक होता है डिस्पर्सिंग एलिमेंट और दूसरा होता है स्लिट। जो डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है वो प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है, और जो स्लिट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एंट्रेंस और एग्जिट स्लिट। जो सेल या सैंपल होल्डर होता है यहाँ पर, वो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कि लाइट जो है वो ईजिली पास हो सके। तो इसके लिए जनरली हम क्यूबिट्स जो होते हैं क्वार्ट्ज, ग्लास या प्लास्टिक के, उसको यूज़ करते हैं। डिटेक्टर जो रेडिएशन को डिटेक्ट करे, वो तीन तरह के डिटेक्टर यहाँ पर जनरली यूज़ किए जाते हैं। फोटो सेंसिटिव डिवाइस होते हैं ये, फोटोवोल्टिक सेल हो सकता है, फोटो ट्यूब होता है या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। यहाँ पर डायग्राम है जैसे फोटोवोल्टिक सेल, फोटो ट्यूब, और ये डायग्राम है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का, जिसके द्वारा हम जो भी लाइट की इंटेंसिटी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पावर सप्लाई। तो जो पावर सप्लाई होता है यहाँ पर, वो भी ट्रिपल फंक्शन शो करता है। फर्स्ट, इट डिक्रीज द लाइन वोल्टेज टू द इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग लेवल विथ ए ट्रांसफार्मर। सेकेंड, इट कन्वर्ट एसी टू डीसी विथ ए रेक्टिफायर इफ डायरेक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड, इट स्मूथ आउट एनी रिपल्ड विच मे अकर इन द लाइन वोल्टेज इन ऑर्डर टू डिलीवर अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज टू द सोर्स लैम्प एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से पावर सप्लाई का भी यहाँ बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह डायग्राम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या बोल सकते हैं इस तरह का ये दिखाई देता है। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये एक प्रकार का एनालिटिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम केमिकल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो होता है, कुछ बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के द्वारा इनको हम मेज़र कर सकते हैं। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके भी मेन चार ही पार्ट होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स है, मोनोक्रोमेटर या फिल्टर है, सैंपल सेल एंड सैम्पलिंग, और लास्ट है डिटेक्टर। अब यदि इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखें तो सबसे पहले है इसका इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स। तो जो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पर जो सोर्स होता है वो रेडिएंट एनर्जी सोर्स होता है, और जो इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो इंटेंस होता है इनफ फॉर डिटेक्शन एंड एक्सटेंड ओवर द डिज़ायर्ड वेवलेंथ। इसके जो सोर्स होते हैं ये दिए गए हैं, नर्स्ड ग्लोवर्स हो सकता है, इनकैंडेसेंट लैम्प हो सकता है, मरकरी आर्क है, टंगस्टन लैम्प है, ग्लोबर सोर्स है, और नाइक्रोम वायर। इसको हम एज ए इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। जो फिल्टर या मोनोक्रोमेटर होता है, ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। जो मोनोक्रोमेटर होता है वो प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है, और जो फिल्टर प्रिज्म जो होता है वो पोटेशियम ब्रोमाइड या जनरली सोडियम क्लोराइड या सीजियम आयोडाइड का बना होता है। यहाँ पर जो फिल्टर होता है वो जनरली लिथियम फ्लोराइड या डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग जो होता है वो एल्कली हैलाइड्स का बना होता है। जो सैंपल सेल या सैंपलिंग ऑफ सब्सटेंस होता है, इसका यूज़ हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही सैंपल के कैरेक्टराइजेशन में करते हैं। जो डिटेक्टर होता है यहाँ पर यूज़ होता है, वो होता है आपका थर्मोकपलर, बोलोमीटर, थर्मिस्टर, गोले सेल और पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स जो हैं एज ए रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और रिकॉर्डर होता है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है और हमें रिजल्ट के रूप में डिटेक्ट होता है। अब यदि हम ऑप्टिकल डायग्राम देखें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो इसमें हमको दिख रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स है। इस सोर्स से जो है वो लाइट है डबल बीम में कन्वर्ट हो, मतलब डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक सैंपल और दूसरा रेफरेंस क्यूबिट है, और इनसे होते हुए फिर ये स्प्लिटर और डिटेक्टर के थ्रू लास्ट में प्रोसेसर के द्वारा हमें प्रिंट आउट मिल रहा है, जिससे कि हम
जो भी सैंपल यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल हमको मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर सेलेक्शन यूज़ एंड केयर ऑफ क्यूबिट। हम जानते हैं कि जो क्यूबिट ही होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। यदि क्यूबिट को हमने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है, हम प्रॉपर टाइप के क्यूबिट यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी रीडिंग्स में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो क्यूबिट होता है वो या तो प्लास्टिक ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है और इनको हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि क्वार्ट्ज क्यूबिट है तो उसको अल्ट्रावायलेट वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर ग्लास है, प्लास्टिक या क्वार्ट्ज में से कोई भी है तो उसको हम विजिबल के रूप में, विजिबल लाइट वर्क के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। और कई बार जो इनएक्सपेंसिव प्लास्टिक क्यूबिट्स होते हैं उसको भी, कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो क्यूबिट होते हैं वो एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल होते हैं। यदि हम प्लास्टिक क्यूबिट को छोड़ दें या जो डिस्पोजेबल क्यूबिट्स आते हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जो दूसरे क्यूबिट है, चाहे वो क्वार्ट्ज के हों या ग्लास के हों, वो इन कंपेयर टू एक्सपेंसिव होते हैं और फ्रेजाइल भी होते हैं। इसलिए इनको हमें बहुत ही प्रॉपरली और केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ट्रांसमिटेंस में फ़र्क पड़ता है और हमें रिज़ल्ट जो वेरी करता है। इसे हमें वायर रैक वगैरह में नहीं रखना चाहिए और जो रफ़ ब्रश है उनसे भी वॉश नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें सैंपल को क्यूबिट में बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए और जैसे ही हमारा क्यूबिट का काम हो जाता है हमें इमीडिएटली उसको वॉश करके, क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो यदि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एप्लीकेशन देखें तो इसका यूज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही मेज़रमेंट में करते हैं। इसके अलावा जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है उसकी स्टडी में की जाती है। कुछ इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के स्टडी में यूज़ होता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ होता है। मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा कर सकते हैं और जो कॉन्जुगेशन में एक्सटेंट होता है वो भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस।